फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। देखो, वेक्टर मैथमेटिकल टूल में आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसे वेक्टर का यूज ना हो। ठीक, तो हम लोग टू द पॉइंट जाते हैं। वेक्टर यानी यूं कहो कि वेक्टर जो है फिजिक्स का मैथमेटिकल ऑपरेटर है। समझ में आ गया? वेक्टर फिजिक्स का मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो पूरे फिजिक्स को घुमाता है। ठीक, आगे बढ़े। देखो टॉपिक वेक्टर, वेक्टर अच्छे से पढ़ना है, दो बातों में पढ़ना है। देखो सबसे पहले जानो क्वांटिटी, क्वांटिटी। देखो एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? वेक्टर हमने स्टार्ट कर दिए हैं, 10 लेक्चर में खत्म कर देंगे। एक होता है क्वांटिटी, एक क्या होता है? क्वांटिटी। एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। जैसे मान लीजिए कि सामान जाते हैं खरीदने के लिए, जैसे आप चावल खरीदने गए, जैसे आप चावल खरीदने गए, दुकानदार का बोलते हैं कि 10 केजी चावल दीजिए, तो वो हुआ क्वांटिटी। कितना? 10, 5, 7 क्वांटिटी। दुकानदार पूछेंगे कि कैसा चावल, तो आप बोलिएगा बासमती, अरवा, उसना, लाल किला, इंडिया गेट, जापान गेट, कौन कौन गेट, तो ये हुआ क्वालिटी। समझ में आ गया? तो क्वांटिटी कितना, 5, 7, 10, क्वालिटी किस टाइप का। तो क्वांटिटी का मतलब हुआ जो हमारे मेजरमेंट में आता है, 2, 4, 5, 7, 9, जितना का आप मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मार सकते, मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, मार सकते नहीं, माप, मेजरमेंट। ठीक है, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मेरे स्पेलिंग में मत ध्यान देना, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है? तो जिस क्वांटिटी का यूज फिजिक्स में करते हैं, फिजिकल हो गया, केमिस्ट्री में करेंगे तो केमिस्ट्री हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजी में करेंगे तो बायोलॉजिकल हो गया, जो होता नहीं है, सिर्फ फिजिकल और केमिकल। ठीक है, द क्वांटिटी यूज इन फिजिक्स, सब लिखा भी देंगे, मेरा आदत है बोल देना, समझाना, लिखा भी देना, ताकि भविष्य में आपको जरूरत हो तो कॉपी पलट सकते हैं, कॉपी पलट सकते हैं। और हाँ, मेरा एक डिमेरिट है, बता देते हैं, थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं, जल्दी बोल देते हैं, लेकिन मेरिट भी है, 3 बार बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 3 बार। तो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी यूज इन फिजिक्स इज कॉल्ड क्या बोलो? फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी समझ में आ गया? लिखते भी रहेगा। चल, तो क्वांटिटी हो गया जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एकदम पढ़ेंगे, कोई और नहीं, क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बताओ ये कितने तरह का होता है? 2 तरह का, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर नहीं, ये 3 तरह का होता है। लिखेंगे स्केलर, 2 में लिखेंगे वेक्टर, 3 में लिखेंगे टेंसर। एक स्केलर हो गया, एक वेक्टर हो गया, एक टेंसर हो गया, एक स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, टेंसर हो गया, स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, टेंसर हो गया। ठीक, चलो लिख लिए।
आज इंट्रोडक्शन है लेकिन मजा आएगा। चलो स्केलर उबिएगा मत, एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे। स्केलर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पूरब, दोनों में अंतर है। 5 किलोमीटर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। 5 किलोमीटर पूरब में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो क्या बोलते हैं? स्केलर। लेकिन द फिजिकल क्वांटिटी, लिखिए द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज जनरली इट हैज नो डायरेक्शन। एक लगा दिए टर्म जनरली, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी स्केलर है। हम सब बता देते हैं, घबराइए मत। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, या कह सकते हैं इसके डायरेक्शन नहीं, ओनली बता दे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में स्पीड, डिस्टेंस और बोलो वर्क, पावर, पोटेंशियल, पोटेंशियल नाम सुने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, सब स्केलर है। सब क्या है? स्केलर। फ्लक्स, खैर ये सब आगे का टॉपिक है। ये सब क्या होता है? स्केलर होता है, सब स्केलर होता है। लिखो एग्जाम्पल। देखो स्केलर क्वांटिटी जो भी होता है वह अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है। किसको पढ़ता है? अलजेब्रा को। किसको? अलजेब्रा को। तो स्केलर क्वांटिटीज फॉलो अलजेब्रिक रूल्स। अलजेब्रिक समझते हैं ना, वही सिंपल जो बताओ 4 + 5 = 9, 9 - 2 = 7, अलजेब्रा को फॉलो करता है। सिर्फ जोड़ दो, सिर्फ घटा दो, स्केलर। इसमें कोई झंझट नहीं है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। किसको फॉलो करता है? अलजेब्रा को। कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल याद रखना है। बोर्ड का पोजीशन ले रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया? ये बोर्ड का पोजीशन है कि ऊपर नहीं दिख रहा है। चलिए तो स्केलर हो गया, बहुत सिंपल। वेक्टर, वेक्टर ऐसा शॉर्ट ट्रिक देंगे सब घूम जाएगा। देखो वेक्टर, पहले परिभाषा को खत्म करें, डिफिनेशन को। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन होता है। देखो द फिजिकल क्वांटिटी, देखिए द फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो द रिफ्लेक्स. घबराई नहीं, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक. लेकिन एक कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना यह प्रूफ नहीं करता है कि यह वेक्टर. फिर से, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर, रटो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर, मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो वेक्टर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं, उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है. एंड मैच मस्ट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ. तो शॉर्ट में कहते हैं ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ. तो जो वेक्टर एडिशन का फॉलो करेगा वही वेक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा. समझो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से यह प्रूफ नहीं होता है कि वह वेक्टर. तो जो वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा उसी को क्या कहेंगे, वेक्टर. और वेक्टर एडिशन क्या होता है, घबराओ नहीं, आज ही पढ़ेंगे या इसके आगे पढ़ेंगे. तो स्टार्टे कुछ लिखो, एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या है, इसे लिखो, कुछ लिखो, लिखो वेलोसिटी. क्या कहते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट. कोई बच्चा बोला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट. एक मिनट, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट इसको हम बोलते हैं, ये आप ही आज से बोलिए, चेंज इन पोजिशन वेक्टर. बोलो, चेंज इन पोजिशन वेक्टर. बोलो, चेंज इन पोजिशन वेक्टर. देखो हम बता देते हैं एक लाइन में, हर आदमी को पढ़ाने का अपना तौर तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है. मेरा भी लंबा करियर है, चला है इस लाइन में लगभग 23 साल, मतलब होता है. तो हर बड़ा चीज को छोटा कर देंगे, हर बड़ा चीज को छोटा कर देंगे. तो तुम आज से डिस्प्लेसमेंट कम बोलेगा और ज्यादा क्या बोलेगा, चेंज इन पोजिशन वेक्टर. क्या बोलेंगे, चेंज इन पोजिशन वेक्टर. ओके, उबना मत, सीखना. और लिखना तो बोल देना, मुंह से बोलना, बोल बोल लिखना. दूसरी बात है एक्सीलरेशन. फोर्स सब वेक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, जितना भी फोर्स है सब फोर्स वेक्टर. फील्ड खेतला नहीं, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब क्या है, वेक्टर. चलो बोर्ड नहीं पढ़ना, पूरा फिजिक्स है तो वेक्टर है, मिटा दे. लिख लिए, अब वेक्टर लिख लिए, खाली डेफिनेशन. एक टर्म आ गया टेंसर, टेंसर, टेंसर. ये थोड़ा अलग ढंग का टॉपिक है टेंसर, तुमको एक शॉर्ट में समझा देते हैं, बहुत सिंपल में. शॉर्ट में क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन एक्सिस के बदलने से मैग्नीट्यूड बदल जाता है. फिर से, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन एक्सिस के बदलने से मैग्नीट्यूड बदल जाता है. देख, लिख लो प्रैक्टर, लिख लो डिफिनेशन. टेंसर, इट हैज मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन चेंज इन एक्सिस. जैसे एग्जाम्पल दो मोमेंट ऑफ इनर्सिया. नया टर्म नहीं, एक टॉपिक ये है, पढ़ाएंगे अब बहुत मजा पढ़ाएंगे. मेरा बहुत मजेदार टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया. मेरा बहुत टॉप क्लास टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया. ठीक ठीक लग बनाना. जैसे मान लो एक बुक है, कोई बुक है, जब सीखिएगा अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन कोशिश करते हैं. एग्जाम्पल लिख लो, ये बुक है, यह लेंथ है या ब्रेथ है, या क्या लेंथ है या ब्रेथ है, यह लेंथ है या ब्रेथ है. इसको तुम ऐसे घुमाएगा तो इसका इनर्शिया कुछ और हो जाएगा, इसी को तुम ऐसे घुमाएगा तो इनर्शिया कुछ और हो जाएगा, इसी को तुम ऐसे घुमाएगा इनर्शिया कुछ और हो जाएगा, यहाँ की ओर घुमाएगा इनर्शिया कुछ और होगा. ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके अबाउट का इनर्शिया दूसरे पॉइंट के इनर्शिया के बराबर हो. समझ में आ गया? तो आप समझने के लिए मान लो कि एक स्लैब, सिर्फ समझने के लिए, आपको पता है हमको ही पता है कि समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ का एक टॉपिक ही नहीं है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करना है. यह लेंथ मान लो एल है, ये मान लो बी. ठीक, अगर तुम इसको घुमाएगा ऐसे तो इसके अबाउट इनर्शिया होता है एम बी स्क्वायर बाई टू. कैसे आया नहीं आया ये तुम दिमाग में मत लगाओ. बोलो क्यों? आगे तो पढ़ना है ना रोटेशन में. सिर्फ समझने के लिए इसको तुम बंद कर दो, यही बी है या एल है. अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो इसका इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू. सेम अगर इसको कुछ ऐसे बना दे, यह एल हो गया, यह बी हो गया, इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो यह हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल रूप पर लिख लो और यह समझ लो कि जब एक्सिस चेंज हो जाएगा तो इनर्शिया बदल जाएगा. इसीलिए यह टेंसर है. क्या है? टेंसर. और टेंसर का एग्जाम्पल बहुत कम होता है इसलिए लोग याद भी रखता है. आप लोग सिर्फ याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको लिख लीजिए, बना लीजिए. ठीक है? अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा. पहली बात, आप लोग पॉज कर लिखिएगा, पॉज करके लिखिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लगाएगा. स्क्रीनशॉट होता है लाइव क्लास में. ठीक, ओके. इनर्शिया हो गया तो अब आते हैं हम लोग का एक्सेप्शन. देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायसन भी है, फिर भी स्केलर है. ठीक, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट. देखो इलेक्ट्रिक करंट नाम सुना है, एमीटर, 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 एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर यानी करंट को मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट. समझ में आ गया? एमीटर मतलब करंट को मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट. ठीक, एमीटर समझ में आ गया? करंट को मेजरमेंट
करने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो अब क्या हो गया कि एम्पियर अलग हो गया, मीटर अलग हो गया, दोनों मिला क्या, मीटर करंट को मेजरमेंट करता है, यानी करंट के पास मैग्नीट्यूड है। और आप लोग नाइन्थ या टेंथ पढ़िएगा कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, यानी मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, फिर भी यह स्केलर है, फिर भी यह स्केलर है। इसको लिख के घेर दो, लिख कर घेर दीजिए, सबको समझेंगे अच्छे से, कोई हर्वाई नहीं है, अपना सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में एक टेक्निक होता है जो एक बार समझ में आ गया काइनेमेटिक्स का, उसके बाद सीधे स्वी सिलेबस खत्म होता है। एक होता है स्पीड ऑफ लाइट, जनरली लोग बोलने के बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी लाइट, रियल में लाइट के स्पीड को वेलोसिटी नहीं कहते, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट का हम बोले थे कि तो होता नहीं है, रियल बात है लाइट का स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा होता है, उस पर हम ले जाएंगे फिलहाल। तो इसके स्पीड को हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, लाइट का स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, ठीक। लाइट का मैग्नीट्यूड होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड होता है ना, अरे मानते हैं कि बेबे का होता है, होता है ना उसके बराबर। और एकदम डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन, लाइट कभी नहीं होता है कि ऐसे आएगा ऐसे घूम के ऐसे, लाइट जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन। फिर भी स्केल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है स्केलर है, लेकिन छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन एक्सेप्ट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 99.9% जितना भी स्केल है, स्केलर है, उसका छोटा पार्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। सब सिखाते हैं हर रन आउट, पहले कुछ टर्म याद करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन छोटा को छोटा को। आजकल तो लोग टाइम को ले लिया, टाइम 10 मिनट 15 मिनट जो बीत गया वापस नहीं आएगा, हमेशा अवर्ड्स टुवर्ड्स फ्यूचर, 10 सेकंड बाद, इसको भी लोग डायरेक्शन में काउंट कर लेते हैं, डायरेक्शन में काउंट कर लेते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। देखो ध्यान देना, ध्यान देना, लिखा मत, दीज क्वांटिटीज हैव, दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। So, these are a scalar quantity ठीक। यह किसको फॉलो नहीं करता हुआ, वेक्टर डिसन लॉ, तो लफड़ा तो यही है वेक्टर डिसन लॉ, तो जो इसको फुलफिल करेगा वो स्केलर होगा, सॉरी वेक्टर होगा, नहीं करेगा स्केलर होगा। लेकिन याद रखना, बहुत सारा हम देखे हैं, लोग सुनते रहते हैं लोगों के मुंह से, यह टेंसर नहीं है, ये देते हैं वेक्टर है, दीज आर
टेंसर, टेंसर नहीं है, बात खत्म, टेंसर नहीं, लिख लो। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, वेक्टर का परिभाषा, स्केलर का डिफिनेशन, टेंसर, एक्सेप्शन। लेकिन हम लोग का मेन टॉपिक पढ़ना है क्या, वेक्टर। तो लिखो, टॉपिक डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर है। लिखो टॉपिक, देखो अब लिखेगा नहीं समझिएगा, हम सब लिखा देंगे, मेरा तो लिखा देने का। यह मान लो कि एरो है, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से, सॉरी एरो से, अगर वह वेक्टर है तो। देखो इस एरो में, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड, ये क्या हो गया टेल, ये क्या हो गया हेड, ये क्या हो गया टेल, ये हो गया हेड, ठीक। टेल रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग पॉइंट को, लिखना का नहीं, सिर्फ समझना है। टेल रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग, कहां से स्टार्ट किए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। टेल रिप्रेजेंट क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट किए हो, या बोलता है शॉर्ट में इनिशियल पॉइंट। एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, एंडिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, बोलो। नहीं, नो नो नो, वेक्टर कभी खत्म नहीं होता है। तुमको बार बार बता दिए हैं कि मेरा 23 साल का अनुभव है, बहुत सारा लेक्चर देखते रहते हैं, किताब देखते हैं, क्या लिखा है खुद पता नहीं है। और आप लोगों को कॉम्पिटिशन कंप्लीट करना है, मेडिकल देना है, आईडी देना है, उबिएगा मत, टर्म को समझिए, एक एक टर्म को सीखना है। स्टार्टिंग है, इनिशियल है, इसको एंडिंग नहीं बोलेंगे, एंडिंग नहीं बोलेंगे, फाइनल नहीं बोलेंगे, बोलते थे तो आदत बदल दीजिए। सोचो 5 किलोमीटर पूरब, तो मेरा 5 खत्म हो जाएगा, पूरब खत्म नहीं होगा। कोई बोले कि 5 मीटर वेस्ट, तो 5 यहां से खत्म हो जाएगा, वेस्ट खत्म नहीं होगा। तो तुम बताओ कि 5 को वेक्टर बोलते हैं, कि वेस्ट को वेक्टर बोलते हैं, कि 5 मीटर वेस्ट को वेक्टर बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो 5 मीटर वेस्ट में 5 खत्म हो गया, वेस्ट खत्म नहीं हो गया, कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्शन कभी खत्म नहीं होता है, फाइनली वेक्टर का एंड नहीं होता है, याद रखना। तो इसको बोलेंगे टर्मिनल, क्या बोलेंगे, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। ये सिर्फ इंडिकेट करता है कि जाना है, सिर्फ इंडिकेट करता है कि जाना है। देखो हम यहां से पढ़ा रहे हैं, यहां से रट के नहीं, यहां से, यहां से। तो यह इंडिकेट करता है कि जाना किधर है, ये फाइनल ही होता है, नॉट फाइनल, नॉट फाइनल पॉइंट, या नॉट एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये होता है टर्मिनल। इसका काम क्या है, डायरेक्शन बताना, इट इंडिकेट्स, लिखना नहीं, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, लिख लिए और मेरा कार्य थी लिखा ना, तो लिखो एनी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड, which is represented as vector
by drawing an arrow line upon the mid of vector. किससे प्रयोग करते हैं? एरो से. किससे? एरो से. किससे? एरो से. वेक्टर जो होता है उसके ऊपर हम लिखते हैं एरो. लिखते हैं, लिखते हैं तो लिखते हैं. जैसे एग्जांपल में जानो, अगर लिखेगा वेक्टर ए, इसका मतलब ए दिखे एरो दे देंगे. सीखो वेक्टर बी, बी लिखे एरो दे देंगे. वेक्टर सी, सी एरो. कुछ भी लिखना हो उसके ऊपर एरो दे दो. ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ठीक, रिप्रेजेंट करने का तरीका है. अब तुम क्या करो कि वो लिख करके और इस फिगर को बना लो. बढ़िया से बनाओ. पहले लिख लिए, अब तभी लिखो. सब कुछ वही है. एक चीज ध्यान दो. रुको 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 रुको. यह लेंथ है. ये क्या है? बोलो लेंथ है. लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलो मैग्नीट्यूड को. फाउंडेशन कोर्स है. यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को. क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को. लेंथ करेगा मैग्नीट्यूड को. बोलो लेंथ करेगा मैग्नीट्यूड को. टेल करेगा स्टार्टिंग को और हेड करेगा कटिंग को. कोई दिक्कत? हेड का काम क्या है? डायरेक्शन बताना. हेड का काम क्या है? डायरेक्शन बताना. एक काम करो, तुम लिख लिया, इसको लिखो. लिख लिए, देखो स्क्रीन शॉट नहीं लेना है, लिखना है. सब बोल के पढ़ेगा, सब बोल के पढ़ेगा. ठीक है, अब आगे. सही है. एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं पीएम एरो के लिए. बताओ स्टार्ट कहां से हो रहा है? पी से. मान लो पी फॉर पटना, एम फॉर मुजफ्फरपुर, तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? पी से. जा किधर रहा है? एम की ओर. लिखेंगे पटना टू मुजफ्फरपुर. पटना टू मुजफ्फरपुर. अगर हम एमपी की बात करते हैं, ये हो गया मुजफ्फरपुर टू पटना. मुजफ्फरपुर टू पटना. समझे? यहां स्टार्ट कहां से हो रहा है? मुजफ्फरपुर से. जा किधर है? पटना की ओर. यहां स्टार्ट कहां से हो रहा है? पटना से. जा किधर है? मुजफ्फरपुर की ओर. ठीक. तुम क्या करो, माइनस लगा दो. माइनस एमपी. इसका मतलब हुआ कि माइनस मुजफ्फरपुर टू पटना, यानी कि माइनस मुजफ्फरपुर टू पटना. माइनस मुजफ्फरपुर टू पटना या पटना से मुजफ्फरपुर. पटना टू मुजफ्फरपुर. यानी कि इसको आप पीएम लिख सकते हैं. तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? देखो माइनस एमपी को लिख सकते हैं पीएम, माइनस एबी को लिख सकते हैं बोलो बीए, माइनस पीक्यू को लिख सकते हैं बोलो ना क्यूपी. समझ में नहीं आया?
माइनस OA को लिख सकते हैं AO, माइनस AO को लिख सकते हैं OA, ठीक। ये एग्जांपल हो गया, क्या हो गया एग्जांपल। इसे उतारो तुम, उतारो और बोल देख रहे हैं, बोल के बोलो PM पटना टू मुजफ्फरपुर, MP मुजफ्फरपुर टू पटना, बोलने आ गया। बोलो दोबारा और बोल। अरे भाई यही है, कुछ नहीं है फिजिक्स में, फिजिक्स सबसे हल्का सब्जेक्ट है, चाहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, बायो ले लो, सबसे हल्का सब्जेक्ट फिजिक्स है। इसमें एक टेक्निक होता है जो समझना होता है, वो हम ही सिखाएं, घबराना मत। लेकिन हाँ, जितना होमवर्क देंगे उतना करना है और बोल के पढ़ना है, मुँह से आवाज आना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आईना के सामने खड़ा होकर पढ़ो, सामने लगे कि सामने कोई मास्टर बैठा हुआ है, लेकिन बोल के पढ़ो, जितना करो उतना पढ़ो ना, बाकी हम ठीक है। और हम आपको होमवर्क डेली देंगे, और डेली लाइव आकर समझाएंगे, पढ़ाएंगे तब यूट्यूब पर, लेकिन लाइव आगे समझाएंगे। देखो लाइव आगे क्वेश्चन चेक करेंगे, बनाया कि नहीं बनाया, क्या किया, कॉपी दिखाओ, फोटो दिखाओ, पढ़ना, बोलना नहीं, शर्माना नहीं, शर्माना नहीं। चलो चलो देखते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या है। पुरान हो गया, अब तो मैच्योर हो गया। वेक्टर एडिशन क्या है? वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ, मन ही लग रहा है, देखो वेक्टर एडिशन क्या है। वेक्टर एडिशन एक सिनेमा में डायलॉग होता है कि तुम जहां खत्म करता है वहां से हम शुरू करते हैं। सिनेमा का डायलॉग जानता है? सिनेमा देखा होगा मूवी, उसमें किसी में क्या कहता है, तुम जहां खत्म करता है वहां से हम शुरू करते हैं। यही तो वेक्टर एडिशन है, जहां तुम खत्म करता है वहां से हम शुरू करते हैं, कोई क्या वेक्टर एडिशन। जैसे तो मान लो, लिखना बंद कर दीजिए प्लीज, समझो, अरे समझो, तुम मान लो कि ओ पर था, कहाँ था ओ पर, कहाँ था ओ पर, ओ से तुम चला गए ए के पास, ओ से कहाँ गया ए के पास, कहाँ गया ए के पास, ए से चला गया तुम बी के पास, ए से चला गया बी के पास, ए से चला गया बी के पास, ए से बी के पास, और बी से चलाया ओ के पास, ओ से कहाँ गया ए, ए से कहाँ गया बी, और बी से कहाँ चला ओ, ओ से ए, ए से बी, और बी से ओ, ठीक। अच्छा तो बताओ, तुम जहां से गया अब फिर वहां पर चलाया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, जीरो। तो ओ से ए, ए से बी, और बी से ओ, जीरो। फिर से ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, और बी से ओ चलाया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, जीरो। यानी ओ से ए गया, एरो एरो, अब सियान हो गया, बोलो मैच्योर हो गया। ओ से ए गया प्लस ए से बी गया प्लस बी से ओ गया, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, जीरो। तो तुम बताओ, ए बी को आप लिख सकते हो माइनस ओ ए प्लस बी ओ। देखना बुआ, यह लाइन बहुत खतरनाक है, पूरे फिजिक्स में हम इसी को दोहराते हैं। मेरा हथियार है वेक्टर और कैलकुलस, वेक्टर और कैलकुलस, कैलकुलस में पढ़ा दी, वेक्टर चल रहा है। अब तुम बताओ कि माइनस ओ ए को हम ए ओ कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा है, लिखा है, तो माइनस ओ ए को ए ओ कह दिए, अब प्लस कि माइनस तो कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान, ए बी हो गया, माइनस ओ ए माइनस बी ओ, और माइनस बी ओ कह सकते हैं ओ बी, माइनस ओ ए को क्या कहेंगे, एओ,
माइनस ओ ए को क्या कहेंगे, ए ओ, माइनस ओ ए को ए ओ, माइनस बी ओ को ओ बी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो कि ए बी को लिखेंगे माइन ए ओ प्लस ओ बी, क्या मतलब हुआ, इसको सुतारो लिखो, लिख लिए, तुम सोचो कि ए बी को क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ बी, मेरा फिगर इसलिए हम फिगर को मिटा देते हैं, सारा मिटा दिए अपना मन से। अच्छा हम लिख सकते ए ओ प्लस ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर आर बी, कुछ और लिखो, ए एम 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 एन पी पी पी, कुछ और लिखो, कुछ और लिखो, ए एक्स एक्स आर आर टी टी बी, ये तीनों बड़ा कौन है, सब बराबर है, सब बराबर है, और इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक बहुत सीखना होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ए से बी जाओ, ए से बी जाओ, तो इसका हेड इसका टेल, एओ में ओ हेड, एओ में ओ हेड, एओ में ओ हेड, ओ क्या है टेल, इसका हेड इसका 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 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो जो हेड टेल हेड को फॉलो करता है उसी को बोलेंगे वेक्टर एडिशन, फाइनली बोलेंगे वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू कराएंगे कि हम लोग आज पढ़े क्या है, आज हम लोग क्या पढ़े हैं ये नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। तो आप लोग काम है लिखना, और इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, एरर एनालिसिस, तो आप तीन पेज या चार पेज छोड़ दीजिएगा, बीच बीच हम कोशिश कराते रहते हैं, नए नए क्वेश्चन देंगे, तो दो तीन पेज पांच पेज छोड़ दीजिएगा, आगे लिखिएगा, हर चैप्टर के बगल में दो तीन पेज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बाय।